हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। दी गई आकृतियों में से चतुर्भुज और उसके प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों, पहले चतुर्भुज को देखिए, PQRS। इसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, इसलिए PQRS यह एक समचतुर्भुज है। क्या हम इसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब दूसरी आकृति को देखिए, यह एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90° दिया गया है। वीडियो पॉज कर आप यह सोच सकते हैं कि यह किस चतुर्भुज के गुणधर्म है। जी हाँ, यह एक आयत है। तीसरी आकृति में चतुर्भुज DEFG में सम्मुख भुजाओं की केवल एक ही जोड़ी समांतर है और दूसरी जोड़ी जो समांतर नहीं है DG और EF यह दोनों बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है यानी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। चौथी आकृति को देखिए दोस्तों, इसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। दोस्तों, पांचवी आकृति को देखिए, इसे देखते ही आप जान सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसकी पांच भुजाएं हैं। इसे हम पंचभुज या बहुभुज भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, परंतु इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज हो सकता है। दोस्तों, यह वर्ग भी हो सकता है क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ कोणों की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इस कथन के अनुसार यह समचतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।